बुलाने वाले कहाँ चले गए? छोटे आदमी उनको पीछे रहे, छोटा आदमी राजभर मेरा परिचय चंद्रशेखर राजभर, मैं माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय प्रभारी संवाद कार्यालय सारनाथ वाराणसी से जी। क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं विनोद राजभर जी, बिरनो गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं, लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। यह पूरा समाज विनोद राजभर को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने के लिए आज कैंडल जलाकर उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग कर रहे हैं। कैसे शहीद हुए, कब शहीद हुए? यह लेह लद्दाख के बॉर्डर पे बर्फ में दुश्मनों की गोली से लगने के कारण वो शहीद हो गए। राजभर समाज के होने के नाते हिंदुस्तान का हर व्यक्ति या राजभर समाज हो या अन्य समाज का कोई भी वीर सपूत किसी माँ का बेटा हो, अगर वह हिंदुस्तान की रक्षा करता है, माँ भारती की रक्षा करता है, तो वह हमारा परिवार है। हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति हमारा परिवार है, इसलिए देश पे कुर्बान होने वाले विनोद राजभर को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए सारनाथ महाराजा सुहेलदेव पार्क में इकट्ठा हुए हैं। कहाँ तक लेके जाएंगे आप लोग कैंडल मार्च? यह हम लोग महाराजा सुहेलदेव से होते हुए महाबोधि चौराहे से होते हुए म्यूजियम से होते हुए फिर महाराजा सुहेलदेव पार्क पे आकर हम लोग समाप्त करेंगे। विनोद राजभर। मैं संतोष राजभर फौजी जी। क्या कुछ आप लोग के द्वारा आज कार्यक्रम किया जा रहा है? आज विनोद राजभर जी जो गाजीपुर के रहने वाले थे, वो सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में दब जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, उसके दौरान वो शहीद हो गए। उनके उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम ये आज इसका कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक आप लोग जाएंगे? महाराजा राजभर जी के पार्क से हवेलिया चौराहा होते हुए फिर यहीं इसका समापन किया जाएगा। देश के सेना है, शहीद हुए हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जिंदाबाद और भारत माता की जय। भारत माता की राजभर अमर रहे। शहीद विनोद 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 राजभर की ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में जाएं और भारत माँ की रक्षा के लिए तत्पर रहें, जो हमारे भारतीय नौजवानों के उसमें देखा भी जाता है कि वो हमेशा था।